लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती सहित बिहार की सभी नौकरियों में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी बिहार सरकार दे रही है। जनरल कैटेगरी में अभी आरटीआई से एक जानकारी मिली है कि बिहार से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बिहार के लाखों महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहां के मूल निवासियों, अस्थायी निवासियों को ही मिलता है, लेकिन बिहार में महिला आरक्षण का लाभ और दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों और बिहार से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये नाइंसाफी है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार की बेटियों के साथ, बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ भी और बिहार की महिला अभ्यर्थियों के साथ। ये घोर अन्याय है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, यहाँ रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, और इसलिए रोजगार का एकमात्र साधन यहाँ और सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है, और उसमें भी बिहार सरकार आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की बेटियों के साथ घोर अन्याय है, बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। आखिर बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है घोर अन्याय? 35% महिला आरक्षण जो बिहार में लागू है, बिहार की बेटियों को उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, या बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती हो, या कोई भी वैकेंसी हो, महिला आरक्षण का लाभ बिहार की बेटियों को ही मिलना चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी मिल रहा है। इसी तरह दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी बिहार में दिया जा रहा है। इससे बिहार के अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और बिहार से बाहर के लोग यहां आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं, और बिहार की बेटियां, बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली और वो बाहर हो गए, बेरोजगार रह गए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। आखिर सरकार क्या चाहती है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बिहार से बाहर के लोगों को बिहार में आरक्षण दिया जा रहा है, ये समझ से परे है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ क्यों इतना अन्याय किया जा रहा है? और जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण मिल रहा है, ये महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, उसका नुकसान बिहार की एससी एसटी ओबीसी महिला अभ्यर्थियों को भी हो रहा है। क्योंकि अगर बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में आरक्षण नहीं दिया जाता, तो फिर जो बिहार की एससी एसटी ओबीसी महिला अभ्यर्थी है, उनका भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ज्यादा होता, क्योंकि उतना मार्क्स वो लाते, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाता, और फिर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में उसी कैटेगरी की बिहार की अन्य लड़कियों का भी सिलेक्शन होता, और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में जो लड़कियां जनरल कैटेगरी के इतना मार्क्स लाती तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाता। इस तरह जनरल कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी जो महिला कैटेगरी है, महिला अभ्यर्थी है बिहार की, उनका भी नुकसान हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की बेटियों का नुकसान हो रहा है, बिहार की बेटियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, और इसके साथ ही जो दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दिया जा रहा है, इससे बिहार के दिव्यांग भाई बहनों का नुकसान हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है इनके साथ। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इसमें सुधार कीजिए, कि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिले, चाहे वो महिला आरक्षण का लाभ हो तो बिहार की बेटियों को ही उसका लाभ मिले, और दिव्यांग आरक्षण का लाभ भी बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही मिले, नहीं तो फिर पूरे बिहार में आंदोलन करना पड़ेगा। और जितनी भी बिहार की बेटियां हैं, बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, ताकि आपके आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को ना मिले, आपके आरक्षण की हकमारी ना कोई कर सके, आपका आरक्षण जो छीना जा रहा है वो आपका आरक्षण ना कोई छीन पाए। तो इसलिए बिहार की बेटियों से, बिहार की जो जुझारू संघर्षशील बेटियां हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, और एकजुट होकर जो आरक्षण का जो गलत तरीके से बिहार के बाहर के लोगों को, बिहार से बाहर के लोगों को जो गलत तरीके से बिहार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसका विरोध कीजिए। सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं
कि बिहार से बाहर के लोगों को बिहार में आरक्षण नहीं दिया जाए और बिहार की तमाम महिला अभ्यर्थियों और साथ में जो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनसे भी आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर इसका विरोध कीजिए कि आपके आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए और सरकार जल्द नहीं मानती है, जल्द सुधार नहीं करती है, तो फिर आप लोग तैयार होइए और आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। आखिर कैसे बिहार से बाहर के लोगों को बिहार में आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, इसका विरोध होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, बस आप लोग एकजुट होइए। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।